अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक और टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ समरी। आज की इस वीडियो में हम समरी की डिफिनेशन को देखेंगे, पर्पस ऑफ समरी को देखेंगे, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है समरी राइटिंग में, एंड सबसे लास्ट में एग्जाम्पल्स के थ्रू समरी राइटिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट इज़ अ समरी? समरी का वर्ड कहाँ से आया है और इसका मीनिंग क्या है? सो द वर्ड ऑफ समरी, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड समरियम, विच मीन्स अ ब्रीफ स्टेटमेंट और अकाउंट ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ समथिंग। डेफिनेशंस ऑफ समरी, अ समरी इज अ शॉर्ट रिटेलिंग ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ स्टोरी, डॉक्यूमेंट्स, नॉवल और अदर पीस ऑफ वर्क ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। किसी भी स्टोरी, नॉवल, डॉक्यूमेंट या किसी और टेक्स्ट के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स की रीटेलिंग को हम समरी कहते हैं, या हम इसको यू भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ ब्रीफ समराइजेशन ऑफ अ लार्जर वर्क दैट गेव अस द रीडर अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। जब भी हम किसी बड़े वर्क को ब्रीफली लिखते हैं, चाहे वो वर्क नॉवल हो, एसे हो, डॉक्यूमेंट हो, आर्टिकल हो या कोई और वर्क हो, और उसकी रीडर को समझ भी आ जाए, तो उसको हम समरी कहते हैं। Now the question came in mind, what are the purposes of summary writing? So the first purpose of summary writing is, it gives us a brief overview of the important details. Summary, ये किसी भी work की important details का overview देता है readers को, कि ये work किस चीज़ के बारे में है और इस work में क्या क्या बताया गया है, इस work में कौन कौन से important details बताए गए हैं। The second purpose is, it gives us a brief rundown of the main points. किसी भी documents, essay, novel, article या किसी और वर्क में क्या क्या मेन पॉइंट्स है, क्या क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, ये वर्क किस चीज़ के बारे में है, तो समरी हमें इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। द थर्ड पर्पस इज़ टू शो इन्फॉर्मेशन इन सिंपल वर्ड्स। मोस्ट ऑफ द टाइम रीडर को ओरिजिनल टेक्स्ट की समझ नहीं आती, तो वो समरी को रीड करता है ताकि वो सिंपल एंड ईजी वे में उस इन्फॉर्मेशन को हासिल करें। हमने समरी की डेफिनेशंस को भी अंडरस्टैंड कर लिया और इसके पर्पसेस को भी अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ समरी? सो अ गुड समरी इज़ ऑलवेज 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। इट मीन्स दैट समरी, इट शुड बी ब्रीफ एंड कंसाइज इज कम्पेयर्ड टू द ओरिजिनल टेक्स्ट। एंड अ गुड समरी, इट ऑलवेज फॉलोज द फॉलोइंग स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज़ रीड द टेक्स्ट। सबसे पहले आपने एक टॉपिक को सेलेक्ट करना है और फिर उसको रीड करना है ताकि आपको उस टॉपिक का ओवरव्यू मिल सके। Read the text carefully. Take notes down about the main idea and supporting points that you want to use in your writing. Skim the text again to confirm you have understood the key points. आपने उस टाइम तक रीड करना है जब तक आपको मेन पॉइंट्स में ना मिल सके, और रीडिंग के दौरान आपने मेन पॉइंट्स और की वर्ड्स को हाईलाइट भी करना है। Read the text as many times as you need to. You won't be able to write a good summary if you don't understand the text. The second step of summary writing is break the text down into sections. To make the text more understandable, its subparts, break it down into smaller parts such as introduction, types, advantages, disadvantages and conclusion at the end. किसी भी पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको चाहिए कि आप उस पैराग्राफ को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करें, जैसे कि इंट्रोडक्शन का सेक्शन आ गया, फिर टाइप्स का सेक्शन आ गया, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड कंक्लूजन। Try writing words or phrases in the margin next to each paragraph that describes the paragraph's content. और जो पेज में मार्जिन लाइन्स होते हैं, आपको चाहिए कि हर पैराग्राफ के मार्जिन लाइन्स में लिखे कि पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है, किस कंटेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टॉपिक ऑफ समरी इज पोल्यूशन, दिन डिवाइड इट इन टू सेक्शंस एज इंट्रोडक्शन, टाइप्स, डिसएडवांटेजेस एंड कंक्लूजन एट द एंड। द थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाइंग की पॉइंट्स। समरी ये हमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स का ब्रीफ ओवरव्यू देता है। तो इस स्टेप में आपका पर्पस क्या है? इस स्टेप में आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, की पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है या उसको हाईलाइट करना है किसी भी मार्कर से, या उसको मार्जिन लाइंस में राइट डाउन करना है। मोरओवर, जो भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है आपने उसको एक्सक्लूड करना है। एंड डोंट कॉपी एंड पेस्ट पार्ट्स ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, प्रॉपरली पैराफ्रेज इट एंड टू योर ओन वर्ड्स। आपने ओरिजिनल टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना, बल्कि अपने वर्ड्स में ओरिजिनल टेक्स्ट को पैराफ्रेज करना है। द फर्स्ट स्टेप इज़ प्रूफ रीड एंड एडिट। आपने इस स्टेप में एक समरी का एक रफ ड्राफ्ट बनाना है। रीड थ्रू योर समरी केयरफुली एंड चेक फॉर मिस्टेक्स। ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक को देख लें, अगर कोई वहाँ पर है तो आप उसको कमेंट कर लें। चेक दैट यू हैव यूज्ड ऑल द की वर्ड्स।
एलिमिनेट रिपीटेशन, आपने रिपीटेशन हरगिज़ नहीं करनी। अवॉइड टेक्निकल लैंग्वेज, क्योंकि आप समरी लिख रहे हैं तो आपने टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ नहीं करना, अब आपने सिंपल वर्ड्स का ही यूज़ करना है। प्रेजेंट समरी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपने समरी को एक ऑर्डर में लिखना है, ऐसा ना हो कि पहले आप इनको लिख लिए फिर आपने मिडिल लिखना है, नहीं, आपने एक प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो करना है, जैसे कि पहले इंट्रो आ गया, इसके बाद बॉडी आ गई, एंड लास्ट में कंक्लूजन। नेवर पुट एनी ऑफ योर ओन आइडियाज, ओपिनियंस और इंटरप्रिटेशंस इन द समरी, आपने अपने ओपिनियंस को, अपने इमोशंस को और इंटरप्रिटेशंस को समरी में नहीं डालना, क्योंकि ये ओरिजिनल टेक्स्ट का पैराफ्रेजिंग है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, तो आपने ओरिजिनल टेक्स्ट को ही पैराफ्रेज करना है, ना कि अपने इमोशंस को और ओपिनियंस को डालना है। द फाइनल स्टेप इज राइट द समरी। राइट द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ योर समरी ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर प्रीवियस रिसर्च, आपने जितना भी रिसर्च किया है अपने समरी के टॉपिक पर, तो आपने उसका एक फाइनल ड्राफ्ट बनाना है। कीप इट ब्रीफ एंड शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। सपोज आपका ओरिजिनल टेक्स्ट वो 500 पेजेस है, सो द समरी शुड बी 25 पेजेस। मेक श्योर इट फ्लोस, दैट योर शुड बी कोहेजन एंड कोहेरेंस इन ईच सेंटेंस ऑफ द टेक्स्ट। आपने आपके समरी के सेंटेंसेस में एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, लॉजिकल लिंकेज होनी चाहिए, ताकि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को फॉलो करे। अरेंज इट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो आपके समरी के सेंटेंसेस में ऑर्डर भी होना चाहिए। तो इन सारे स्टेप्स का यूज़ करके आप किसी भी टॉपिक पर समरी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समरी को अंडरस्टैंड करते हैं। वी हैव द ओरिजिनल टेक्स्ट विच सेज Most adults require between 7 and 9 hours of nightly sleep. Children and teenagers need substantially more sleep, particularly if they are younger than 5 years of age. Work schedules, day-to-day stressors, a disruptive bedroom environment, and medical conditions can all prevent us from receiving enough sleep. A healthy diet and positive lifestyle habits can help ensure an adequate amount of sleep each night. But for some, chronic lack of sleep may be the first sign of a sleep disorder. इस टेक्स्ट को अगर हम समराइज़ करें तो ये 2-3 लाइंस बन जाता है। अकॉर्डिंग टू स्लीप फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट एडल्ट्स नीड 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट, व्हाइल चिल्ड्रन एंड टीन एजर्स मे नीड मोर। देर आर वेरियस थिंग्स दैट कैन डिप्राइव अस ऑफ स्लीप, सच एज वर्क स्केड्यूल्स एंड मेडिकल कंडीशंस। तो आप देख लिए यहाँ पर ओरिजिनल टेक्स्ट में और समरी में कितना डिफरेंस है। एक फुल फ्लेज पैराग्राफ से हमने 2-3 लाइंस को मैं उसको और समराइज़ कर लिया, और ये इजी वर्ड्स में भी है, ताकि रीडर्स को इसकी समझ भी आ जाए। टाइप्स ऑफ समरी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ समरी। द फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्टिव समरी एंड द सेकंड वन इज़ ऑब्जेक्टिव समरी। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट यू गेट अवर न्यू वीडियोज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।